दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की। देखो मनोविज्ञान पढ़ने से या मनोविज्ञान के वो सिद्धांत देखने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले अपन को जरूरत होता है किसी भी चीज का बेस समझना। मनोविज्ञान की मैंने कुछ जो है वैज्ञानिक चुने, यानी मनोवैज्ञानिक चुने हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे, ठीक है। उन वैज्ञानिकों की टेबल मैंने बनाई है और इसका लिंक भी मैंने जो है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि बोर्ड पे कई बार कुछ चीज समझ में नहीं आती। मैं आपको बताऊंगा इन वैज्ञानिकों के बारे में, फिलहाल केवल इतना ही मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है जिसके कारण इनको याद किया जाता है, ये कहाँ के हैं और इनके प्रमुख सिद्धांत। ये जो टेबल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उसको क्लिक करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इन मनोवैज्ञानिकों के बारे में जानने के लिए मेरे साथ चलिए क्लास में। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों हम देखेंगे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक। ये मैं आपको मनोवैज्ञानिकों के बारे में बता रहा हूँ और हर एग्जाम में ये आपको इनसे पाला पड़ने वाला है। कुल वैज्ञानिक करीब 24-25 हैं, मैं सबके बारे में बताऊंगा। यहाँ केवल उनकी विशेषता, विशेष बातें और उनके जन्म स्थान या उन्होंने विशेष काम किया उसके बारे में बताऊंगा, एक बात। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबका सब आपको लिखा हुआ PDF में एक लिंक मैंने दे दिया है यहाँ डिस्क्रिप्शन में, वो आपको वहां मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो सबके बारे में आपको सारी डिटेल खुलती चली जाएगी, ठीक है। फिलहाल अपन बात करेंगे मैस्लो की। देखो मैस्लो ने जो है वो काम किया था प्रेरकों पे। मैस्लो कहते हैं कि प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। प्रेरक वो चीज होती है जो अपने को प्रेरित करती है, ठीक है ना। तो मैस्लो कहते हैं कि प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, पहले तो होते हैं जन्मजात और दूसरे होते हैं अर्जित। जन्मजात प्रेरक वो हैं जो इंसान के साथ जन्म से जुड़े रहते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो भूख उसको लगती है, उसको प्यास भी लगती है, उसको गुस्सा भी आता है, निद्रा भी उसको आती है, ठीक है ना। और काम की भावना भी सबसे अधिक शिशु में ही पाई जाती है, ठीक है ना। ये सवाल अलग से आता है कि काम की भावना सर्वाधिक किस में पाई जाती है, शिशु में। तो ध्यान रखना कि मैस्लो दो प्रकार प्रेरक बताता है, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात प्रेरक हैं भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि, इनको प्राथमिक प्रेरक भी कहा जाता है, ठीक है ना। या फिर इसको जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहते हैं। प्राथमिक प्रेरक है ना, जैविक या शारीरिक प्रेरक, ठीक है, इनका नाम है। दूसरे जो प्रेरक हैं वो है अर्जित प्रेरक। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो समाज में से कुछ ना कुछ सीखता है, तो वो जो सीखता है ना उसी को सीखने को अर्जन कहते हैं, यानी वो अर्जन करता है, ग्रहण करता है बाहर से। ये चीजें उसमें जन्मजात पैदाइश नहीं होती। वो क्या चीजें, जैसे मान लो उसको कोई आदत पड़ जाती है, ठीक है, या किसी चीज में उसकी रुचि जाग जाती है, ठीक है ना, या वो जीवन के कोई लक्ष्य है उद्देश्य निर्धारित करता है, या फिर वो सामूहिकता की उसमें भावना है या उसमें एकल भावना है, ये जो भी भावना है उसमें आती है, ये सब ऐसे प्रेरक हैं जो वो अर्जित करता है समाज में रहने के बाद, समाज से सीखने के बाद। तो ये अर्जित प्रेरक हुए। तो मैस्लो संबंधित है किससे, प्रेरकों से, ये आप याद रखना। अच्छा अब हम देखते हैं एक मैकडूगल है ना। मैकडूगल ने क्या किया कि इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। मैकडूगल कहते हैं कि प्रत्येक इंसान में प्रवृत्तियां होती हैं, है ना, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक। अब ये मैकडूगल ब्रिटेन के रहने वाले थे। ये जो सिद्धांत है ना इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा, इसलिए फिलहाल तो केवल सिद्धांत और इसके बारे में बता रहा हूँ, वैज्ञानिकों के बारे में बता रहा हूँ, है ना, बाकी डिटेल मैं बताऊंगा। तो मैकडूगल ब्रिटेन के थे, इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, एक बात। दूसरी बात, ये ऊर्जा मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। मैकडूगल जो है ऊर्जा मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। तीसरे वैज्ञानिक देखेंगे हम प्लेटो। प्लेटो दार्शनिक भी थे, लेकिन इन्होंने जो सेंटेंस कहा वो क्या कहा था कि शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सत्य का साक्षात्कार करना, है ना। यानी सत्य से अगर इंसान को साक्षात्कार हो जाता है तो वो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है पूर्ण हो जाता है, ये कहते थे। दूसरा, प्लेटो ने महत्वपूर्ण काम किया, वो किया अनुकरण को विशेष महत्व दिया इन्होंने, किसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना, शिक्षा प्रणाली में इन्होंने अनुकरण को विशेष महत्व दिया। देखो हम देखेंगे अगले वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सुकरात, ठीक है। सुकरात ने क्या कहा कि ज्ञान ही सदगुण है, ये इनका एक जो है मतलब वाक्य था। और दूसरा, इन्होंने जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का जो है इजाद की, है ना, द्वंद्वात्मक पद्धति के जो जन्मदाता है वो है सुकरात, ठीक। ये यूनानी दार्शनिक थे और विचारक भी थे। फिर हम देखेंगे विलियम मुंट।
विलियम मुंड से बहुत पाला पड़ता है। विलियम मुंड पहली बात तो मनोवैज्ञानिक थे, कैसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, कब की, 1879 में, कहां की, लिपजिंग में। लिपजिंग कहां है, जर्मनी में है, ठीक। तो विलियम मुंड ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिपजिंग में 1879 में की, ठीक। दूसरा, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक थे, यानी कि प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है ना, उसके जो जनक कौन थे, विलियम वुंड, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक थे, ठीक है। राइटिंग समझ में नहीं आया तो नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना, वहां आपको सब लिखा हुआ ढंग से मिल जाएगा स्पष्ट रूप से। फिर हम देखेंगे छठे मनोवैज्ञानिक, ये है क्लार्क हल, पूरा नाम था क्लार्क हल। क्लार्क हल से पहले दो वैज्ञानिक और हुए थे, उनके बारे में बताऊंगा। एक तो थे थार्नडाइक और दूसरे थे पावलोव। तो पावलोव ने क्या किया, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत बनाया था, और जो थार्नडाइक थे उन्होंने प्रभाव का नियम बनाया। तो उन दोनों को मिला करके इन्होंने, क्लार्क हल ने एक नया नियम बना दिया, वो था उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, जिसको कि SOR थ्योरी भी कहते हैं, उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है ना, SOR थ्योरी। अच्छा, ये क्लार्क हल और एक चीज की, ये प्रणालीबद्ध व्यवहार के जनक थे, यानी कि प्रणालीबद्ध व्यवहार के जनक कौन है, क्लार्क हल। SOR थ्योरी के जनक कौन है, क्लार्क हल। उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है, क्लार्क हल, ठीक। इन्होंने उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया जो सूत्र है उसको जो है प्रस्तुत किया था। तो ये सब काम किसने किए थे, क्लार्क हल ने, ठीक। ये तीनों वैज्ञानिकों को इस प्रकार आप याद रखें। अब देखेंगे हम, देखो अगला वैज्ञानिक ये सातवें नंबर के, हरमन रोरशा। हरमन रोरशा का नाम आते ही ध्यान में आना चाहिए कि स्याही धब्बा परीक्षण। इन्होंने ऐसे 10 कार्ड बनाए जिन पर 5 काले, 2 धब्बे ऐसे थे जो लाल और काले मिले हुए थे, 7 और 3 अन्य रंगों के धब्बे हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार इन्होंने स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया, कब किया, 1921 में, ठीक है। हरमन रोरशा ने 1921 में स्याही धब्बा परीक्षण का जो है निर्माण किया। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने प्रक्षेपण विधि भी 1921 में दी, उसी में स्याही धब्बा परीक्षण को काम में लिया जाता है, जिसके अंतर्गत 10 कार्ड होते हैं जिसमें से 5 तो होते हैं काले, 3 होते हैं अन्य रंगों के, 2 होते हैं ऐसे जिसमें लाल काला मिक्स होता है, ठीक है। फिर ये 3 वैज्ञानिक हैं, है ना, 8, 9, 10वें नंबर पे। इन तीनों को आपको एक साथ देखना है, एक साथ पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने काम भी एक साथ मिलकर ही किया था। कब किया था, बात है 1912 की। इन्होंने सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम था गैस्टाल्ट सिद्धांत या गैस्टाल्ट वाद। गैस्टाल्ट जो है वो एक जर्मनी का शब्द है और इसका मतलब होता है समग्र आकृति, ठीक है ना। तो गैस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मनी का है और इसका अर्थ होता है समग्र आकृति। तो ये तीनों ही जर्मनी के रहने वाले थे। अच्छा, ये इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो 1912 में दिया। अब बात करेंगे इनमें से एक थोड़ा सा अलग हटके, कोहलर की। कोहलर भी इन्हीं में से एक थे, गैस्टाल्ट सिद्धांत दिया जिसको, लेकिन इसमें क्या है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कहीं कहीं तो आपको लिखा मिलेगा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, तीनों का नाम है, लेकिन कहीं कहीं तीनों का नाम देने के बाद एक चौथे का नाम और दे देगा, यानी कि अगर तीनों का नाम एक साथ दे जब तो वहां टिक ये होना चाहिए, अगर तीनों का नाम अलग अलग दे ए बी सी करके और चौथा भी दे तो आपको वहां कोहलर पर टिक करना है, क्योंकि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का जो श्रेय है वो है कोहलर को है, ठीक है ना। तो इसका, इसने एक जो बनमानुस था उसका प्रयोग किया है ना, उसका नाम जो था सुल्तान, कई बार ये भी ये पूछ लेते हैं, ठीक। वर्दिमिर जो है और कोक का कोहलर के साथ मिलकर के काम करने वाले वैज्ञानिक थे, गैस्टाल्ट सिद्धांत दिया तीनों ने मिलकर, ठीक है। और ये इसमें अलग अगर पूछे तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछते हैं, ठीक। तो इसमें आपका जो टिक करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा कोहलर पे, ठीक है। इन्होंने सुल्तान नामक मनमानुस का प्रयोग किया है, ठीक है। और इसकी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके देख सकते हैं इंपोर्टेंट से। देखो अब हम देखेंगे 11 नंबर पे वैज्ञानिक प्लूटो। प्लूटो भी एक दार्शनिक थे और इन्होंने क्या किया कि शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को महत्व दिया, यानी कि प्लूटो कहते हैं कि जब हम कोई चीज सीखते हैं, कोई इंसान कोई चीज सीखता है तो वो किसी ना किसी को फॉलो करता है, अनुकरण करता है, और फिर वैसी आदतों को व्यवहार में ढालता चला जाता है, वो उसकी आदतें बन जाती हैं। इस प्रकार व्यक्ति क्या होता है कि अनुकरण करके सीखता है, ठीक, ये प्लूटो का कहना था।
फिर हम देखेंगे 12 नंबर पे जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये क्या कहा करते थे कि आप करके सीखो, यानी कि ये कहते हैं जॉन ड्यूबी कि जब कोई इंसान को कोई काम आता नहीं है तो फिलहाल वो क्या करता है, उसको करने की कोशिश करता है। एक बार गलत करता है फिर सही करने की कोशिश करता है उसको, तो वो क्या है लगातार उस काम को करता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि करते करते वो उसका काम जो है सही हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जब इंसान बार बार किसी चीज को करता है तो वो उसको सीख जाता है। जॉन ड्यूबी क्या है कि प्रयोजनवाद के समर्थक भी थे। प्रयोजनवाद के बारे में एक चीज बताऊं कि प्रयोजनवाद का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई प्रयोजन होता है, ठीक। तो ये कहते हैं कि कोई भी काम बिना प्रयोजन के नहीं किया जाता, ये जॉन ड्यूबी कहते हैं, ठीक। इन्होंने क्या किया कि जनतंत्रीय शिक्षा में सबसे बड़ा व्याख्याता इनको माना जाता है। जनतंत्रीय शिक्षा ये देते थे और करके सीखो सिद्धांत इन्होंने जो इसको महत्वपूर्ण माना है और प्रयोजनवाद के ये समर्थक थे, ठीक। अब हम देखेंगे मेरियम मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी आपने सबने सुना होगा, पूरा नाम है मेरियम मॉन्टेसरी। ये इटली की रहने वाली थी। कहाँ की थी? इटली की रहने वाली थी। सोनिया गांधी जहाँ की है ये भी वहीं की थी। और इन्होंने मॉन्टेसरी प्रणाली जो है उसकी इजाद की। तो मॉन्टेसरी प्रणाली के जनक किनको माना जाता है? मेरियम मॉन्टेसरी को। ये महिला थी। फिर बात करें हम सिगमंड फ्रायड। देखो सिगमंड फ्रायड से थोड़ी सी चीज अलग आ जाती है कि अभी तक अपन बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिकों की, लेकिन सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक नहीं थे। इन्हें मनोविश्लेषणवादी माना जाता है और इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का ही इजाद किया, ठीक। तो सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और मनोविश्लेषणवाद इन्होंने दिया, यानी ये मनोविश्लेषणवादी थे। ये क्या कहते हैं कि मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा क्या होता है? काम। सिगमंड फ्रायड ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो दिया काम शक्ति पर। वो कहता है कि जब इंसान कोई भी काम करता है, कोई भी व्यवहार करता है, तो उसके पीछे जो प्रेरणा होती है वो होती है काम शक्ति, ठीक है। काम शक्ति को इन्होंने नाम दिया लिबिडो, ठीक। सिगमंड फ्रायड ने काम शक्ति को ही मानव व्यवहार की प्रेरणा का स्रोत माना है और उसको जो दूसरा नाम दिया है लिबिडो, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि मानव जो है काम या लिबिडो है वो शक्तियों का भंडार है मानव में, ठीक है, जो सदैव सुखों की खोज करता है। ये सुखवादी थे, सिगमंड फ्रायड सुखवादी थे। ये कहते थे कि मनुष्य कोई भी काम करता है तो उसके पीछे प्रेरणा स्रोत होता है काम शक्ति। काम शक्ति का नाम इन्होंने लिबिडो दिया। इसके अलावा ये एक बात और कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व के पीछे तीन चीजें होती हैं। क्या चीज होती है? एक तो होती है इड, है ना, एक होती है ईगो और एक होती है सुपर ईगो, आईडी इड, है ना, और ईगो, है ना, और एक होती है सुपर ईगो, ठीक है। तो ये तीन चीजें इन्होंने बताई हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। किसने बताई? सिगमंड फ्रायड ने। ये सुख को ही खोज में सब कुछ मानते हैं। अब अगले वैज्ञानिक देखेंगे किलपैट्रिक। किलपैट्रिक भी बार बार आते हैं, इनके सवाल भी खूब आते हैं। किलपैट्रिक का नाम है पूरा हेनरी किलपैट्रिक, है ना, हेनरी किलपैट्रिक। ये क्या है, इन्होंने एक विधि दी, वो विधि का नाम है योजना विधि, यानी कि कोई भी काम योजनाबद्ध तरीके से ही होना चाहिए। अब देखो एक चीज, जॉन ड्यूबी तो कहते थे कि जब इंसान बार बार किसी काम को करता है सीख जाता है, लेकिन किलपैट्रिक कहते इसी चीज को है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति अनुभव के द्वारा सीखता है। बात वही हो गई, लेकिन इन्होंने उसको क्लियर शब्द दिया है अनुभव, इन्होंने दिया है करके सीखो। तो अनुभव द्वारा सीखने की बात जहां बात आती है वहां हम देखेंगे किलपैट्रिक को। तो किलपैट्रिक कहता है कि व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीखता है, बार बार कई जगह जाता है, कई लोगों की बातें सुनता है, कई लोगों के साथ उठता बैठता है, हर इंसान अपना अनुभव शेयर करता है और उसी से जो है इंसान सीखता चला जाता है। ये कौन कहते हैं? हेनरी किलपैट्रिक। अब देखेंगे हम अगले वैज्ञानिक एलेक्स फेंकने ऑसबोर्न, है ना। ऑसबोर्न जो है ये क्या कहते हैं, इन्होंने रचनात्मक ब्रेन स्टोन टेक्निक जो है वो इजाद की। मैंने आपको बताया कि फिलहाल मैं केवल वैज्ञानिकों के बारे में बता रहा हूँ, उनके प्रमुख काम के बारे में, जो इनकी टेक्निक है, जो इनकी विधियां हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऑसबोर्न क्या है कि यूएसए यानी कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने ब्रेन स्टोन टेक्निक या रचनात्मक टेक्निक के बारे में बताया है। अगले हैं पावलव, नाम था इनका इवान पैट्रिक पावलोव। ये बार बार आप पढ़ते होंगे, ठीक है, रूस के रहने वाले थे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पावलोव हैं, इसके बारे में एक सवाल जो बार बार आता है ना, वहां सब लोग कंफ्यूज रहते हैं और गलत सवाल होता है अक्सर वो,
क्योंकि पावलोव के बारे में सब चीज पढ़ लेते हैं लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि पावलोव ना तो मनोवैज्ञानिक थे ना मनोविश्लेषणवादी थे, ये डॉक्टर थे, शरीर शास्त्री थे, है ना। तो ये क्या थे? शरीर शास्त्री। तो पावलोव एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक नहीं है वो है शरीर शास्त्री। कौन? पावलोव। ये सवाल आता है और अक्सर आता है, ठीक। इन्होंने क्या कुत्ते पर प्रयोग किया, ठीक है। प्रयोग क्या था मैंने बताया आपको बार बार कि मैं इनके बारे में जब बताऊंगा तब सारी डिटेल बताऊंगा। इनका जो सिद्धांत था पावलोव का वो है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? पावलोव ने। पावलोव कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। ऐसे ऐसे मतलब व्यक्ति के बारे में बताओ जो मनोवैज्ञानिक नहीं था लेकिन मनोवैज्ञानिक पर काम किया, वो थे इवान पैट्रिक पावलोव। ये कौन थे? शरीर शास्त्री थे, ठीक। इन्होंने सीसी थ्योरी दी, है ना। कई बार इसको सीएस थ्योरी भी कह देते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, है ना। इसको कुछ लोग सीएस थ्योरी भी मिल जाएगी आप कहीं कहीं लिखी हुई, तो सीसी थ्योरी भी है। तो ये थ्योरी का पूरा नाम क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये किसने दी? पावलोव ने दी। अगले देखेंगे रूसो, नाम है इनका रूसो। इन्होंने क्या किया कि ये आजकल अपन जो भी देखते हैं ना शिक्षा में मनोविज्ञान का समावेश हो गया है या शिक्षा जो है मनोवैज्ञानिक हो गई है, ये सब एक आंदोलन के तहत हुआ। उस आंदोलन का सूत्रपात करने वाले रूसो ही थे, ठीक। तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाले कौन है? रूसो। इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम था एमिली, है ना। इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या था? एमिली। इसमें इन्होंने एक काल्पनिक बालक की कल्पना की और उसमें अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया। तो रूसो का जो महत्वपूर्ण योगदान किसका है? मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वालों में रूसो को माना जाता है। अब हम देखेंगे ये वैज्ञानिक हैं चार्ल्स ई स्किनर। स्किनर का जो सिद्धांत था उसका नाम है प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ठीक। एक सिद्धांत है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां स्किनर का सिद्धांत है प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। देखो मैं कह रहा हूं बार बार वीडियो को लगातार पूरी देखा करो, और क्या होता है कि कब कौन सी चीज कहां ध्यान आ जाए मैं बता देता हूं, तो वो चीज आपको लॉस हो जाती है कई बार पूरी नहीं देखने से, ये दिक्कत आएगी, है ना। तो स्किनर ने क्या बता रहा हूं मैं, प्रसूत अनुबंध सिद्धांत इन्होंने दिया और चूहा और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किए, ठीक है। सिद्धांत के बारे में मैं अगले वीडियो में डिटेल से बताता रहूंगा, तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। फ्रॉबेल अगले वैज्ञानिक है, इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति दी, है ना। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक जो थे वो थे फ्रॉबेल। ये जर्मनी के थे और ये क्या कहते थे कि सीखने के दो तरीके हैं, आदमी खेल खेल में भी सीख सकता है, यानी कि प्राइमरी जो एजुकेशन है वो इस पर बेस होनी चाहिए, और दूसरा है वो कहते हैं कि क्रिया द्वारा भी सीखता है, यानी कि करके सीखना, बात हुई होगी। आदमी किसी भी एक्शन को बार बार करेगा तो बाद में वो परफेक्शन से उस एक्शन को करेगा, तो ये कहते हैं क्रिया द्वारा सीखना या फिर खेल खेल में सीख सकते हैं। तो खेल खेल में सीखने का मतलब ही किंडरगार्टन प्रणाली है, ठीक है ना। और फिर है महात्मा गांधी। देखो इतने वैज्ञानिक पढ़े, इसमें से एक अपने भारत के भी हैं। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, ठीक है ये, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक भी थे एक तरह से देखा जाए तो। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा तभी कारगर मानी जाएगी जब मनुष्य का सर्वांगीण विकास होगा, आत्मिक भी, भौतिक भी, शारीरिक भी, इसको कहते हैं सर्वांगीण विकास होना। तो ये कहा है महात्मा गांधी ने, और उन्होंने जो है बेसिक एजुकेशन जो है ना मूल शिक्षा इस पर ध्यान दिया। तो आजकल सरकार प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही ना, यानी कि वो मूल शिक्षा को खराब कर रही है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि सर्वांगीण विकास होना जरूरी है और वो मूल शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा से ही संभव है। फिर है एडवर्ड ली थार्नडाइक। थार्नडाइक के नाम पे ज्यादा आपको सामने आएगा, तो पूरा नाम है एडवर्ड ली थार्नडाइक और ये भी यूएसए के हैं। तो देखो अधिकांश वैज्ञानिक या तो जर्मनी के निकले हैं या यूएसए के निकले हैं, ठीक। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, मैंने आपको बताई थी कि जो पावलोव थे वो शरीर शास्त्री थे लेकिन मनोवैज्ञानिक नहीं थे। अब एडवर्ड ली थार्नडाइक के बारे में बताता हूं कि ये मनोवैज्ञानिक तो थे लेकिन ये पशु मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है पशु मनोविज्ञान पर ज्यादा काम किया, पशु मनोविज्ञान के पितामह भी कहा जाता है ना, गॉडफादर पशु मनोविज्ञान का पितामह कौन है? थार्नडाइक, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने सिद्धांत दिया प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, और अपने इस सिद्धांत को समझाया एक भूखी बिल्ली का प्रयोग करके। प्रयोग क्या था मैं आपको बताऊंगा वीडियोस में, अगले वीडियोस में देखते रहो। और प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया, ये कहते हैं कि इंसान किसी काम को करना शुरू करता है तो वो काम शुरू में गलत होता है, तो वो बार बार प्रयास करता रहता है तो गलती होती रहती है, प्रयास करता रहता है गलती होती रही है, लेकिन लास्ट में एक स्टेज ऐसी आती है कि उसका प्रयास सफल हो जाता है और वो काम परफेक्शन से हो जाता है। तो यही जो है थार्नडाइक
कहते हैं कि प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत। अब देखेंगे हम अगले वैज्ञानिक है 23 नंबर पे अल्फ्रेड बिने। देखो बिने अपन को बार बार काम आएंगे, बार बार याद आएंगे, कारण कि संसार में सारा काम बुद्धि का है और बुद्धि पे काम किया है अल्फ्रेड बिने ने। इनके साथ और भी थे, हालांकि साइमन थे और एक वैज्ञानिक और थे, इन्होंने मिलकर किया है। तो बुद्धि का मापन का जो काम की जो शुरुआत थी वो अल्फ्रेड बिने ने की है ना, बुद्धि मापन के कार्य की शुरुआत करने वाले थे अल्फ्रेड बिने। इन्होंने 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बनाया कि बुद्धि को कैसे नापा जाए, उसका जो फॉर्मूला बनाया सबसे पहले 1905 में किसने बनाया, अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक चीज और, अब जब फॉर्मूला बनाया तो उसमें एक चीज आई थी मानसिक आयु। मानसिक आयु पर सबसे पहले इन्होंने साइमन के साथ मिलकर, यानी कि बिने और साइमन ने दोनों ने मिलकर मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। फार्मूला बनाया तो उन्होंने नया शब्द उसमें शामिल कर लिया था मानसिक आयु, कि मानसिक आयु भी कोई चीज होती है, तो उसका सबसे पहले इस शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया गया वो साइमन और बिने ने मिलकर किया था। और एक चीज और कि बुद्धि लब्धि, ये कह रहे हैं कि बुद्धि लब्धि नाम की भी कोई चीज होती है, ये दुनिया के सामने 1905 में नया शब्द था। ठीक है ना, ये इसके जनक कौन थे, ये थे अल्फ्रेड बिने। इन्होंने बैठे बैठे सोचा कि बुद्धि लब्धि भी नाम की कोई चीज होती है, फिर उन्होंने पब्लिक को उससे जो है इंट्रोड्यूस कराया, तो वो काम किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने। तो बुद्धि लब्धि विचार के जनक कौन थे, अल्फ्रेड बिने। बुद्धि मापन का काम किसने शुरू किया, अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, अल्फ्रेड बिने ने। कब बनाया, 1905 में। मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, बिने ने। किसके साथ मिलकर किया, साइमन ने। देखो कितने सारे सवाल इस चार लाइन में छिपे हुए हैं। अगले हम देखेंगे कार्ल जंग, ये भी एक अनोखे वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या काम किया कि सब लोग सब चीजों पे काम कर रहे थे, कोई मनोविज्ञान पे काम कर रहा था, कोई बुद्धि पे काम कर रहा था, तो इन्होंने सोचा कि एक चीज भी होती है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व भी कोई चीज होती है, तो इन्होंने काम किया व्यक्तित्व पर। अब इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, आप सब जानते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, तो कुछ लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, अपनी बात अपने तक सीमित रखते हैं, धीरे से किसी बात को कहते हैं, ठीक है ना, ज्यादा बहसबाजी नहीं करते, वो होते हैं अंतर्मुखी। कुछ लोग होते हैं बहिर्मुखी, ठीक है ना, टॉकीज, जो बार बार बात करके अपनी बात को कह देंगे या अपने भावों से प्रेजेंट कर देंगे, तो वो सब होते हैं जो है बहिर्मुखी, ठीक है ना। उसमें क्या व्यक्ति के स्वभाव का ही फर्क पड़ता है। फिर है जे बी वाटसन। देखो ये वाटसन से एक नई चीज की शुरुआत हो जाती है। देखो किसी ने व्यक्तित्व पे काम किया है, किसी ने बुद्धि लब्धि पे काम किया है, किसी ने शिक्षण मनोविज्ञान पे काम किया है, किसी ने मनोविश्लेषण पे काम किया है, लेकिन वाटसन जो थे वो यूएसए के थे और ये कहते थे कि व्यवहारवाद ही सब कुछ है। तो व्यवहारवाद के जनक जो हैं वो हैं जे बी वाटसन। ये सवाल पूछ भी लेते हैं मतलब। तो वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक थे, ये कहते थे कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का ही विज्ञान है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन थे, जे बी वाटसन, है ना। तो जे बी वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक थे। फिर एक चीज हो रही, विकास के बारे में मैंने आपको बताया और डिटेल से आगे बताऊंगा वीडियोस में, कि विकास का ही सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास पर जो काम किया वो किया था जीन प्याजे ने, ठीक है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास पर काम किया। वो कहते हैं कि व्यक्ति का सीखना तभी अर्थपूर्ण होगा जब विद्यार्थी की रुचि एक तो जगेगी उसमें और उसका कौतूहल होगा। भाई आदमी तभी तो सीखेगा ना जब किसी चीज में सीखने में उसका इंटरेस्ट होगा, या फिर वो आश्चर्य से कहेगा ये क्या चीज, मैं इसको देखता हूं, यानी उसका कौतूहल होगा। तो कौतूहल और रुचि दो चीजें हैं, तो ये क्या कहते हैं, कौतूहल और रुचि सीखने के लिए दोनों ही आवश्यक है। तो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो किसने दिया, जीन प्याजे ने दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें एक ऊपर बेल आइकन लगा हुआ है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास। दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और ना ही शेयर करने में करें, क्योंकि इससे बड़ी समाज सेवा संस्कृत वाले भाई बहनों के लिए नहीं हो सकती। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि संस्कृत एक बहुत ही विस्तृत अपने आप में लैंग्वेज है, हर स्टेट का सिलेबस अलग है, हर स्टेट में टॉपिक्स अलग हैं। तो आप मैक्सिमम कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि मैं अगला वीडियो जो है उस टॉपिक पे बना सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।